सो हेलो एवरीवन, FSSAI की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है जिसमें अटेंडेंस को लेकर लिस्ट जारी किया गया है कि CBT 1 में FSSAI एग्जाम के सभी पोस्ट में टोटल पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट हुए थे, कितने अब्सेंट हुए थे और रिजल्ट के लिए, और सेकंड CBT के लिए जो रिटेन जिसमें CBT सेकंड है उसके लिए भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नई वैकेंसी और वैकेंसी से रिलेटेड पल अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे डेट दिया गया 20 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली क्या मेंशन किया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ समरी CBT एंड CBT स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पोस्ट कंडक्टेड बाई FSSAI एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, विभिन्न टाइप के जो भी पोस्ट निकाला गया था उसमें कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, कितने अब्सेंट हुए, वहाँ पे क्लियरली सारा डाटा मेंशन कर दिया गया। टोटल कितने फॉर्म आए थे ये भी मेंशन कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ ए का मतलब है आपका अब्सेंट और पी का मतलब प्रेजेंट। ए का मतलब अपीयर्ड आप बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आया था 87,726 फॉर्म आया था असिस्टेंट पोस्ट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, तो 3,641 प्रेजेंट हुए थे, 2,684 अब्सेंट हो गए थे। यहाँ पे आप OBC में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, OBC में कितने स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट हुए थे, 14,000 स्टूडेंट इसमें यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। SC में 11,000 प्रेजेंट हुए हैं और 10,000 मतलब 10,000 अब्सेंट हुए हैं SC में, और OBC में काफ़ी स्टूडेंट अब्सेंट हुए थे। यहाँ UR कैटेगरी आप देख सकते हैं 15,000 प्रेजेंट हुए और 13,000 के आसपास अब्सेंट हुए। बाकी सारी कैटेगरी का एक एक करके आप वीडियो पॉज करके जिस कैटेगरी के स्टूडेंट ने जिस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ देख लेना, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। टोटल चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप देख लेना कैटेगरी वाइज कि टोटल कितने फॉर्म आए थे और कैटेगरी वाइज कितने लोग इस पेपर को दिए हैं, कितने एग्जाम दिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट CBT है, जो जिसमें भी 2 CBT है मेंस के लिए, उसका भी डेट यहाँ पे बता दिया गया। डेट नहीं बताया गया कि उसके लिए नोटिस आई हुई है और रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल एंड सिलेबस पैटर्न ऑफ CBT सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन FSSAI वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेज, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट FSSAI वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी सिलेबस और पैटर्न है वो सेकेंड CBT का, जिसमें भी सेकेंड CBT था, असिस्टेंट पद में शायद नहीं था, जिसमें भी सेकेंड CBT था उसमें जो आपका सिलेबस और पैटर्न है वो जल्दी वेबसाइट अपलोड कर दीजिएगा। और ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने का मतलब फ्रेंड्स कि ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसका सेकेंड CBT का एग्जाम भी होगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। मई स्टार्टिंग में या मई मिड में इसका जो रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा, इसका ये एक्सपेक्टेड है। और जो भी सिलेबस है आपका वो भी जो मई स्टार्टिंग में आपको जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा, अप्रैल लास्ट में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ ही दिनों में 1 वीक के अंदर में जो भी शेड्यूल है वो भी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन भी पोस्ट में सेकेंड CBT है और जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ कहीं कहीं हो पाए कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो सेकेंड CBT की तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दे फ्रेंड्स। अगर जितना जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना ही कंपटीशन में आप आगे रहोगे, मेरिट में आगे रहोगे। तो बिना वेट किए आप अपनी तैयारी शुरू करो तो बहुत कम टाइम में आपके लिए जल्दी सिलेबस आ जाएगा आपका, और CBT 2 का भी जो शेड्यूल है वो भी चला आएगा। और जिसमें एक CBT है वो रिजल्ट के लिए परेशान ना, अपनी अगली प्रिपरेशन करते रहें, मई मिड में 100% इसका रिजल्ट आ जाना तय है। अगर इन पोस्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।